नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल चौहान। चलते हैं खबरों की ओर और शुरुआत करेंगे सहरसा से। सहरसा जिले के बिहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कटिया के समीप ग्रामीण के सहयोग से एक ट्रक विदेशी शराब बरामद किया गया। ग्रामीण के द्वारा सोमवार की देर रात एक ट्रक विदेशी शराब को ग्रामीण ने पकड़कर बिहरा थाना के हवाले किया। हालांकि शराब बरामद की जानकारी मिलते ही बिहरा थाना के थाना अध्यक्ष रणवीर कुमार अपने दल बल के साथ कटिया पहुँच गए एवं दूसरी ओर सदर SDPO प्रभाकर तिवारी भी शराब बरामद स्थल पर तुरंत पहुँच गए और गाड़ी को बिहरा थाना को सुपुर्द कर आगे की कार्रवाई में जुट गए। बिहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब बरामद हुआ है, कुल कितना शराब बरामद हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? इसमें अभी एक आदमी को डिटेन किया गया है, लोकल के रहने वाले जी, और अभी तक अराउंड 2400 लीटर शराब है और 296 कार्टून आइसर का एक ट्रक है जिसमें ये बरामद किया गया है कल देर रात में। अभी इसमें हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, चेसिस नंबर मॉडल नंबर निकाल के, ताकि इसके ओनर तक पहुँचा जा सके। ये किसका शराब था, कैसे लाया जा रहा था, इसकी कोई जानकारी? अभी इसके बारे में कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। वहीं बेगूसराय जिले के मटिहाना क्षेत्र के सिहमा दियारा में पुलिस और एसटीएफ टीम ने छापेमारी कर कुख्यात अपराधी राजकुमार सिंह और समेत हरे राम सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस उसके पास से दो ऑटोमेटिक सेमी राइफल और 115 कारतूस बरामद किया है। राजकुमार सिंह पर हत्या समेत 5 मामले दर्ज है। राजकुमार सिंह मई 2006 में एक क्रिकेट खिलाड़ी की हत्या कर चर्चा में आया था, उसके बाद से वह पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा था। एसटीएफ और पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आज सीमा दियारा में छापेमारी कर राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। आज सुबह में सूचना प्राप्त हुई कि बुद्धन अपने साथियों के साथ एक जगह में है, मटियानी थाना क्षेत्र के दियारा में। इसमें एसटीएफ की टीम आई हुई थी, इसमें गिरफ्तारी करने के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में SHO मटियानी को और एसटीएफ की जो टीम आई थी उसके साथ वहाँ छापेमारी की गई। और छापेमारी के क्रम में वहाँ से राजकुमार उर्फ बुद्धन सिंह, जो कि पूर्व से वांछित था कई कांडों में हमारे यहाँ और जिसकी कुर्की जब्ती पूर्व में की जा चुकी थी, उसकी गिरफ्तारी की गई। उसके साथ एक हरेराम सिंह की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से दो सेमी ऑटोमेटिक 30.06 बोर का राइफल बरामद हुआ है जो कंट्री मेड है। उसके साथ 115 जिंदा कारतूस और 14 चार्जर ये बरामद हुए हैं। वही बात करेंगे अब बिहार शरीफ की। बिहार शरीफ के बाबा मनीराम अखाड़ा पर लगने वाला 7 दिवसीय लंगोट मेला मंगलवार से शुरू हो गया है। बिहार शरीफ अनुमंडल कार्यालय से जिला प्रशासन और बिहार थाना क्षेत्र से नालंदा पुलिस द्वारा बाजे गाजे घोड़े और ऊंट के साथ लंगोट जुलूस निकाली गई, जिसमें नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह और SP नीलेश कुमार के साथ कई पदाधिकारी शामिल हुए। जुलूस नगर का भ्रमण करते हुए अखाड़ा परिसर पहुंच गया, जहां जिलाधिकारी और SP ने बाबा की समाधि पर लंगोट अर्पण कर बाबा से जिलेवासियों के मंगल जीवन की कामना की। नालंदा जिला में अमन हो, चैन हो, शांति हो, सर्वधर्म समभाव बना रहे, सभी धर्मों के लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें, यही हमने बाबा से मांगा। मुकामा नगर परिषद अवस्थित CRPF केंद्र परिसर में 2 दिवसीय उर्स मेला काफ़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। इस उर्स मेला में बिहार के कोने कोने से आए 1 लाख भक्तों ने पीर बाबा की पूजा अर्चना की और चादर पोसी भी की। उर्स मेला को लेकर हर तरफ रौनक देखी गई। कहा जाता है कि उर्स मेला में आए भक्तों का पीर बाबा हर मुराद पूरी करते हैं। उर्स मेला के आखिरी दिन भक्तों ने पीर बाबा पर चादर पोसी की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। बिहार में सुशासन बाबू के राज में विकास कार्यों में किस कदर लूट मची है, इसकी एक भयावह तस्वीर मोकामा से प्रकाश में आई है। इस प्रखंड की कन्हाईपुर पंचायत के स्टेशन रोड में पंचम बीच से तकरीबन 12 लाख रुपए की लागत से बना नवनिर्मित नाला उद्घाटन के पूर्व ही पूरी तरह ध्वस्त हो गया। सूबे में गुणवत्ता के पूर्व विकास कार्य का दावा करने वाले सुशासन बाबू को भी इस हकीकत को देख शर्म आ जाएगी। विकास कार्यों में किस तरह लूट मची है, यह एक वानगी भर है। खासकर मोकामा और घोसवरी प्रखंडों में हर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ग्रामीणों ने नाला निर्माण कार्य में मची लूट खसोट की हकीकत से पटना DM और बाढ़ SDM को भी अवगत कराया। बाढ़ SDM सुमित कुमार ने मोकामा BDO को तत्काल जांच कर रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया है।
उधर कोसी में पानी बढ़ने के बाद जिले के 2 प्रखंड नवहट्टा एवं महिषी क्षेत्र के कई गांव पानी के चपेट में आ गया था। पानी की स्थिति जब कम हुई तो मंगलवार को जिला समाहरणालय सभागार में SDM DK झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 2 प्रखंड अंतर्गत 8 पंचायत पानी की चपेट में आया था, जिसमें 14 गांव 2 अंचल लगभग 17,000 जनसंख्या प्रभावित हुआ था। पानी में फंसे हुए लोगों ने बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके इसको लेकर 9 मोटर बोट, 16 सरकारी नाव, 44 निजी नाव दिए गए। जिन लोगों को पानी से निकाला गया है उसके लिए राहत शिविर भी चलाया जा रहा है और लोगों के बीच तत्काल चूड़ा और चीनी मुहैया करा दिया गया है। लोगों के डिमांड पर पॉलीथीन से वितरण कराया गया है, चूड़ा चीनी का वितरण किया गया है और शौचालय बनाए गए हैं, चापाकल काटे गए हैं और बाकी भी जो सहूलियत लोग डिमांड करते हैं जैसे कि नाव इत्यादि का है, जो आवागमन की सुविधा बहाल रखने के लिए आवश्यक है, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई। एडीएम साहब, आंकड़ा सही बताया जाए कि जिले में कितने पंचायत, कितने गांव प्रभावित रहे हैं, इससे कितने लोग, कितने लाख लोग प्रभावित हैं और उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएँ प्रशासनिक स्तर से? जिले में वर्तमान में 2 प्रखंडों में महसी और नौहट्टा के 8 पंचायत और 8 पंचायत के 14 गांव ये प्रभावित हुए हैं इस फ्लड से और इसमें लगभग 450 लोगों को हम लोगों ने इवैक्यूएट किया और उन्हें राहत शिविर में ठहराया गया है। खाना की व्यवस्था की गई है, कम्युनिटी किचन है वहाँ पर और बाकी जो लोग नहीं आना चाहे और जिनका मतलब बेघर हो गए हैं या जो अन्य स्थान पर चले गए हैं उन्हें हम लोगों ने पॉलीथीन सीट दिया है। तटबंध पर काफ़ी संख्या में शौचालय बनाए गए हैं, चापाकल गाड़े गए हैं और लोगों को आने जाने के लिए जो घर से नहीं निकलना चाहते उनके लिए नाव की व्यवस्था। एडीएम साहब, सबसे बड़ी बात है कि जो कोसी का पानी अपने साथ बीमारी भी लेकर के आती है, मेडिकल की कितनी टीमें वहाँ तैनात की गई, एम्बुलेंस कितने? प्रत्येक पंचायत के लिए मेडिकल की टीमें हैं जो दोनों तटबंधों के बीच में हैं, 2 एम्बुलेंस हैं, एक जो है 9 उनको दिया गया है, एक टीम जो है हमारा मोबाइल टीम है और दवाओं की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त दवा सर्वदंश के और बाकी भी जो डायरिया और सामान्य रोग इस बरसात के समय में होते हैं उसके लिए दवा उपलब्ध करा दी गई है। वहीं अगली खबर मोतिहारी से। मोतिहारी के चकिया NH 28 पर बन झूला चौक के नजदीक खड़ी पिकअप ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में पिकअप चालक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर बोड़ी आदि रखकर करीब 1 घंटे तक आवागमन को बाधित किया। मौके पर पहुंचे अंचल अधिकारी राजकिशोर शाह आश्वासन के बाद पुनः बहाल किया गया। मृतक की पहचान पिपरा थाना क्षेत्र के गाँव वेदी वन निवासी मुकेश कुमार जसवाल के रूप में की गई जबकि घायल में पिपरा थाना क्षेत्र के हिमांशु कुमार, उसी थाना क्षेत्र के गांव चकवारा निवासी मुन्ना कुमार शामिल है जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटना ग्रस्त ट्रक को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया है। बाबूजी के नाम क्या था इनका? बोलिए। हाँ, लड़का था बेदीबन मधुबन का, चकिया से मार्केट सामान लेके आ रहा था, उधर से ट्रक वाला आया है, मार दिया है इसको। एक लड़का तो स्पॉटे मर गया है, 2 घायल है। इसी में मैंने देखिए चकिया प्रशासन के खबर हुआ है, CO साहब आए हैं, आश्वासन दिए हैं कि जिला से 4 लाख रुपए दिलवाएंगे, बाकी प्रक्रिया होगा केस के द्वारे। कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए CRPF के जवान हिमांशु कुमार ओझा का पार्थिव शरीर मोतिहारी पहुंचा। शव के मोतिहारी के अवधेश नगर पहुंचते ही परिवार और मोहल्ले में कोहराम समच गया। शहीद के शव को बारामूला के CRPF जवानों ने सम्मान पूर्वक लाया। जवानों ने तिरंगे में लिपटे शहीद को सलामी देकर अंतिम विदाई दिया जिसके बाद शहीद का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। साथ ही आए CRPF के जवान ने बताया कि भूस्खलन की चपेट में आकर 13 जवान शहीद हो गए थे। इनकी मौत जो है ब्रेन हेमरेज अपने कार्यस्थल पे। कहाँ पर पोस्टिंग है? ये श्रीनगर के सोपुर बारामूला। किस पोस्ट पर? ये मुख्य आरक्षी रेडियो ऑपरेटर।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को नशेड़ी बताने पर पूर्वी चंपारण के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया। कांग्रेस युवा के जिलाध्यक्ष के बयान देने वाले भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मोतिहारी सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। परिवाद पत्र को मोतिहारी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्वीकार कर आगामी 6 अगस्त को सुनवाई करने के लिए सुरक्षित रखा है। कोर्ट में अपना पक्ष रखने के बाद कांग्रेस युवा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सांसद को संयम से काम लेना चाहिए था। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिष्ठा के खिलाफ बयान दिया जो नियोजित नहीं है। वहीं परिवार बाद पत्र दायर करने के बाद वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल भाजपा सांसद के बयान से आहत हुए हैं जिस पर मुकदमा किया गया है। मालूम हो कि मोतिहारी सिविल कोर्ट परिवाद पत्र 1569 दर्ज किया है। जिलाध्यक्ष पूर्वी चंपारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद हम सब के नेता युवाओं के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा आपजनिक बयान 5 तारीख को दिया गया जिसके खिलाफ में आज हमने मोतिहारी के न्यायालय में उन पर मुकदमा दायर किया और यहाँ के माननीय जज द्वारा हमारे मुकदमों को स्वीकार किया गया और हमसे पूछा गया, हमने उनको जवाब दिया कि हमारे हम सब के नेता युवाओं के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर जिस तरह उनको गलत बयान दिया गया, जिन पर उनको अपमानित किया गया, उनको नासा खुरानी और गजेरी बोला गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। इसीलिए मानहानि का मुकदमा हमने दायर किया और हमारा केस को उन्होंने स्वीकार किया है और हम पे पूर्ण न्यायालय पर हमको विश्वास है कि इसका निर्णय होगा। अगला डेट हमको 6 अगस्त को मिला है, फिर उस दिन हम अपने बात को रखेंगे, अपने सबूतों को रखेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है न्यायालय से कि इसमें उन पर उचित कार्रवाई होगी। जो हमारे नेता पे उन्होंने आपजनिक बयान दिया है उसका उनको भुगतना पड़ेगा। वहीं मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां ढाका से घोड़ासहन जा रही बस करसाहिया में पलट गई जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक यात्री पूरी तरह घायल हो गए। वहीं एक महिला की मौत भी हो गई है। वहीं सभी घायलों को ढाका रेफरल अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। साथ ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आक्रोशित लोग देर से पहुंचने का आरोप लगाते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की किए और उन पर चप्पल भी बरसाए। इन सब के बीच पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग कर मामले को शांत कराया। अबरहाल अभी घायलों को इलाज चल रहा है। वहीं अगली खबर सुपौल की। सुपौल जिला में तटबंध के अंदर बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन गंभीर है। डीएम महेंद्र कुमार ने टीपीएस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो लोग तटबंध के अंदर फंसे हुए हैं उसे निकाला जा रहा है। इसके अलावा अब तक कुल 26,200 लोगों को रेस्क्यू किया गया है जो तटबंध पर विभिन्न स्थानों पर ठहरे हुए हैं। इसके लिए खाना पानी दवा आदि की व्यवस्था की गई है। वहीं अगली खबर मोतिहारी की। मोतिहारी के सुगौली में जिला पदाधिकारी रमन कुमार मंगलवार देर शाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान सुगौली थाना पंचायत के वार्ड नंबर 12 चलाए जा रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया। डीएम खाना बना रहे रसोइये से बनाए जा रहे खाने के बारे में भी पूछताछ की। वहीं अगली खबर अररिया से। अररिया गांव जहां एक और जलमग्न है और इन लोगों के रहने वाले को सड़कें ही आसियाना है। तारन बलुआ जाने वाली सड़क कट गई है। एक नाव है लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोगों ने बांस का पुल बनाया है, उसी के सहारे मुख्य मार्ग पर जा रहे हैं। खैर 2017 में लेकिन अभी तक इसका सुविधा नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोग इतना दिक्कत उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई शासन कोई नेता लोग कोई मंत्री लोग अभी तक इसको कोई फीलिंग नहीं कर पाया है और हम लोग इतना दुखी है इससे। हम लोग इतना तकलीफ से बच्चे लेकर परिवार लेकर बहन को माँ बाबा सबको लेकर आ रहे हैं जो जा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पर।
पिया पंचायत अंतर्गत बॉन्डोप से आ रहे हैं, यही रास्ता और करीब, हाँ यही रास्ता है, करीब करीब 6-7 जगह टूटा हुआ है और बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। अभी रास्ते में पेचेली चौक के पास वो क्या कहते हैं कि इसका केला के स्थान पर जो पार रखा था, एक औरत वहीं पर मर के कभी डूब के मर गई। बहुत फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक देखते रहे बिहार न्यूज़, नमस्कार।